हेलो माय फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें बहुत खूबसूरत से हम बटन बनाएंगे। उसे आप बटन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, टसल्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए जो हम टसल्स बनाएंगे उसकी जो विड्थ है वो ये है 5 सेंटीमीटर, या 2 इंचीज है, ठीक है। ये वाली जो स्ट्रिप आपने काटनी है ये हार्ड, ये देखें हार्ड है ज़रा। और इसमें जो पर्ल यूज़ होंगे उनका जो साइज़ होगा वो 3 mm होगा। आप कोई सा भी साइज़ यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें आप थ्रेड कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं क्रोशे थ्रेड ले रही हूँ, तो आप कोई सा भी जो भी आपको थ्रेड आप अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। हम सबसे पहले इसके ऊपर इस ये रैप कर देंगे। ये मैंने 25 टाइम इसे किया है। आप जितना आपको हैवी जितनी स्ट्रेंथ का चाहिए आप उसी स्ट्रेंथ का उतने ही ज़्यादा उसे रैप कर सकते हैं। ये हम नॉट लगा लेंगे यहाँ। ये हाफ है इसका। अब एग्जैक्ट हम इस तरह से इसको कट कर लेंगे। अब हम इसे यूं इस तरह से खोल लेंगे, ओपन करेंगे, इस तरह सीधा कर लेंगे स्ट्रेट। ये इस तरह से इसका लूप बन गया, ये देखें। और अब हम इसे टाई करेंगे। ये लूप डिपेंड करता है कि आपको कितने साइज का लूप चाहिए। अब हमने एक नीडल में धागा डाल लेना है। इधर इतना हम छोड़ देंगे यहाँ तक। अब हम ये ब्लैंकेट स्टिच बनाएंगे। ये हमने 3 टाइम कर लिया इसे। अब हम यहाँ से इधर वापस ले जाएंगे इसे, और इसमें से हम यूं पास करेंगे। और ये जो पर्ल थे हम ये 3 पर्ल इसमें डालेंगे। और ये जो लास्ट वाला था इसमें से हम दोबारा से नीडल पास करेंगे, इस साइड से, इस साइड से इसमें से नीडल पास कर देंगे। अब मैंने ये 4 टाइम बनाया है।
ये देखिए किस कदर खूबसूरत सा हमारा ये टसल बन गया। आप इसे बटन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का पर्ल लेके मैंने सिंगल पर्ल सेम इसी तरीके से आपने लेना है जैसे मैंने ये थ्री वाला इसलिए बनाया है कि आपको थ्री वाले में कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आपने इस तरह से थ्री वाला मैंने बना के दिखा दिया। सिंगल वाले में जस्ट आपको सिंगल ही लेना है और ये मैंने स्मॉल साइज़ का भी बनाया है और उसके इधर सेंटर में भी आप अगर आप पर्ल लगाना चाहें जैसे मैंने ये लगाया तो आप लगा सकते हैं। और इसी तरीके से ये एक और भी ये डिफरेंट कलर्स के मैंने बनाए हैं। अच्छा अब ये दूसरी एक और ऑप्शन है वो ये है कि अगर आप बटन के तौर पे इसे यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप सेंटर में ये एक इस तरह से आप इसका पर्ल लगा देंगे, यूँ इस तरह से सेंटर में भी लगा देंगे तो ये बिल्कुल आपका एक बहुत खूबसूरत सा ये बटन बन जाएगा आपका। तो आप इसे दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये आप साड़ी के पल्लू के ऊपर, अपने दुपट्टों के ऊपर, अपनी शर्ट्स की साइडों पे और बच्चों के फ्रॉक्स के ऊपर, बच्चों के ड्रेसेस के ऊपर आप एज इज इसी तरीके से पूरे ड्रेस के ऊपर आप टांगते हैं तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ये थे हमारे आज के टसल्स, होपफुली आप लोगों को पसंद आएंगे। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।